तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप के अच्छे होंगे। तो जैसे ही मैं सो के उठा तो मैं आ गया था ऑफिस, क्योंकि मैं गया था वृंदावन। तो वहाँ से लौट के आया तो मैं काफ़ी थक चुका था। उसके बाद मैं चला आया सीधा अपने ऑफिस, और ऑफिस में देखा कि कुछ काम नहीं है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अपनी गाड़ी से ही करा लूँ, तो वहाँ पे गए अपनी गाड़ी से करा लूँ। तो आज हमारे पास काम ना होने की वजह से तो हमारे जो लोग गाड़ी उतारते हैं वो भी फ्री बैठे, तो ये देखिए आराम से बैठे हैं। और यहाँ पर ये देखे टेम्पू भी सो रहे हैं और हमारी गाड़ी भी सारी खड़ी है यहाँ पर। तो इसके बाद मैंने फिर चाय मंगाई, कि मैंने सोचा कि चाय पी लें, क्योंकि काफ़ी दोपहर हो चुकी थी, काम नहीं था, तो इसलिए चाय पी। और गर्म गर्म चाय पीने के बाद बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छा लगा चाय पिया। तो चाय पीते पीते हो चुकी थी दोपहर, तो मैंने सोचा कुछ ना ऑफिस का काम किया जाए। तो मैंने थोड़ा बहुत काम किया ऑफिस का ऊपर, फिर उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने लगा, और मैंने काफ़ी रेस्ट किया, बहुत ही अच्छा लगा। तो रेस्ट करते करते पता नहीं चला कब शाम हो गई और हमारा पोपट हो चुका था। तो मैंने उठा और मैंने देखा कि मैं बाहर जाके गया, वहाँ पर देखा कि बहुत अंधेरा हो चुका था। तो उसके बाद मैं फिर वहाँ से लौट के आया, और फिर सभी लोग देख रहे थे कि सब आपने जा रहे थे, क्योंकि सर्दी बढ़ चुकी थी। तो हमारे वो काम करने वाले थे, उन्होंने आग जलाना शुरू किया, और वो भी माचिस लेके आग जलाने लगे। और उसके बाद आग जलने के बाद हम सभी तापने लगे, क्योंकि सर्दी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। तो हमने भी अपने उसमें गर्म गर्म हाथ सेक लिए। तो अपने गर्म गर्म हाथ सेकने के बाद तो काफ़ी अच्छा लगा, और सर्दी भी दूर हो चुकी थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि गर्माहट आ गई शरीर में। और इसके बाद बहुत तेज़ आग जलने लगी थी। और फिर इसके बाद हमारे पास एक गाड़ी आ चुकी थी काम करने के लिए, तो वो लोगों ने गाड़ी उतारी। और हमारे मामा जी हैं, ये देखिए गाड़ी उतार रही है, और ये बहुत ही मुस्करा रहे थे गाड़ी उतारते हुए। उसके बाद मैं निकल गया घर के लिए। तो घर आते हुए मुझे काफ़ी रात हो चुकी थी, करीब बज रहे थे रात के 9। और इसके बाद मैं आ चुका था अपने घर वापस और अपने स्टूडियो में। तो बहुत ही अच्छा लगा घर आके, दोनों काम किया। इसके बाद मेरे भतीजे आ गए, बोलने लगे चाचा चाचा। तो दोनों को मैंने गोद लिया और उनको खिलाया थोड़ी देर। उसके बाद फिर हम चले गए खाना खाने के लिए। तो खाने बने थे आज इडली सांभर और ये फिंगर्स एंड मेयोनीज चटनी, मोमो चटनी। और इसके बाद मैंने फिर अपने बच्चे के साथ खाना खाया, और इसके बाद ही बस थोड़ा दूध गर्म किया और दूध पिया। उसके बाद अपने स्टूडियो आ गए और वहाँ पर थोड़ा अपनी वीडियो को एडिट किया। और इसलिए आज की वीडियो तो बने रही हमारे चैनल पे ब्लॉग्स बाय एजे। तब तक के लिए बाय।